आपसे पन्नू और आप देख रहे हैं MNS News। नमस्कार, मैं मीना MNS News आई हूं। मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ममता की रैली से सोनिया और राहुल की दूरी, KCR माया का संशय। 100 से ज्यादा की रफ्तार से कार चला रहा था स्कूली बच्चा, डिवाइडर से टकरा कर गिरी नाले। रांची से हैदराबाद जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे यात्री, DGP भी थे सवार। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली कोलकाता में 19 जनवरी को ममता बनर्जी रैली करने वाली है। इसमें विपक्षी पार्टियों के कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से नहीं सोनिया गांधी और नहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो सकते हैं। सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से नहीं जाएगी। राहुल गांधी पहले से कार्यक्रम में व्यस्त है, सूत्रों ने ऐसी ही जानकारी दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे सत्र बताते हैं कि कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई नहीं चाहती कि कांग्रेस अध्यक्ष TMC प्रमुख के साथ मंच साझा करे। इस वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस रैली में शामिल नहीं होने का फैसला किया। नई दिल्ली गाजियाबाद राजधानी से सटे गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में एक तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी। इस कार में स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग लड़के सवार। नई दिल्ली गाजियाबाद राजधानी से सटे गाजियाबाद गोविंदपुरम इलाके में एक तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी। इस कार में स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग लड़के सवार थे। गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी, इस कारण चालक गाड़ी संभाल नहीं पाया और नाले में जा गिरी। राजीव बुधवार को रांची एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से बच गया। हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट उड़ान भरने के बाद वापस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लाया गया। विमान में यात्रियों के साथ राज्य के DGP DK पांडे भी मौजूद थे। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS से लगी खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं।